हेलो एवरीवन, आज हम जो टर्बिडिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के अंदर एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, वो है आपके टर्बिडिटी जो है वेस्ट वाटर या तो वाटर। सभी सबसे कैसे पहले निकालते जो हैं, चीज़ है ठीक है, कि इसके बारे में आज हम आपको स्टडी टर्बिडिटी क्या करेंगे। होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि टर्बिडिटी जो है वो क्या होती है, ठीक है। तो टर्बिडिटी जो है एक ये टेक्निकल टर्म्स है जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि क्लाउडीनेस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि क्लाउडीनेस ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना है, ठीक है। इसको हम क्वालिटी क्वालिटेटिवली करेक्टिस्टाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि सॉलिड जो पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या करते हैं कि जो भी लाइट आती है, ठीक है, वो उस लाइट को क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। और साथ साथ के अंदर जो है कुछ जो लाइट का पार्ट होता है वो तो क्या करते हैं, उसमें से ट्रांसमिट करने देता है उस सैंपल में से, और कुछ क्या करता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि कुछ पार्ट ऑब्स्ट्रक्ट करता है और कुछ उसके अंदर ट्रांसमिट करने दे देता है, ठीक है। तो ये एक उसका टर्बिडिटी का है। टर्बिडिटी जो है जनरली जो है वो इंडिकेट करती है कि डिस्पर्स और सस्पेंडेड जो सॉलिड होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर, वो जो है सॉल्यूशन को टर्बिड कर देता है, ठीक है। टर्बिड करने वाले जैसे मटेरियल हैं वो हैं आपके क्ले हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, सिल्ट है, एलगी है एंड अदर माइक्रोनिज्म, ठीक है। ये जो है पानी को गंदला गंदला कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसमें अगर अपन टर्बिडिटी को डिफाइन करें तो हम इसको ये कह सकते हैं कि टर्बिडिटी जो है पानी के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर या आपके वेस्ट वाटर के अंदर क्लाउडिनेस को इंगित करती है। और ये जो है लाइट ट्रांसमिटिंग जो कैपेसिटी होती है वाटर की, उसके ऊपर ये क्या करती है, डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा लाइट ट्रांसमिट हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो सॉल्यूशन है या वाटर है वो लेस टर्बिड है, और जितना ज़्यादा वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो हाईली टर्बिड है। और उसको जो टर्बिड जो जनरली करते हैं, जो सस्पेंडेड और डिस्पर्स जो सॉल्यूशन है उनके एग्जाम्पल है, जैसे क्ले है, ऑर्गेनिक मैटर है, सिल्ट है, एलगी है और मार्गो, ये सब क्या है पानी करते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ के अंदर हमको अब नेक्स्ट जो है कि जो टर्बिडिटी अपने अभी स्टडी किया था कि इंट्रोडक्शन के अंदर टर्बिडिटी क्या होती है, ये टर्बिडिटी जो है हमारे दैनिक जीवन के अंदर कैसे इफेक्ट करती है, या वाटर ट्रीटमेंट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर कैसे इफेक्ट करती है, उसको हमने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ है कि टर्बिड वाटर जो है, अगर हम जो है किसी भी ग्लास के अंदर रखते हैं तो वो उसकी जो अपीयरेंस होती है वो काफ़ी डिसप्लेसिंग होती है, और साथ ही साथ के अंदर वो मिल्की कलर जैसा लगता है। तो इसलिए हम जो उसको पी नहीं सकते, उसको देखने में ऐसा लगता है कि नहीं यार इसको नहीं पीना चाहिए, ठीक है। तो पहले चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि जो टर्बिडिटी के वाटर होता है उसमें कोलाइडल मटेरियल होता है, ठीक है। तो कोलाइडल मटेरियल होता है तो वो जो है कि किसी को जो भी केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या ऑब्जर्व कर लेते हैं, और जिससे क्या होता है कि जो केमिकल और जो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है आपके वेस्ट वाटर उसके अंदर जो है उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। इसके साथ साथ में जो टर्बिड वाटर है वो अनडिज़ायरेबल टेस्ट एंड ऑर्डर तो देता है, मैंने बता ही दिया आपको। इसके साथ साथ में अगर डिसइन्फेक्शन करते हैं हम वाटर को, तो वो बहुत ही आसानी से नहीं होता है, उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन को ये टर्बिड वाटर क्या करता है, उसे रिएक्शन कर लेता है, और जो है ऑर्गेनिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको भी ये हिंडर करता है, या उसको साइट प्लेस प्रोवाइड करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए टर्बिड जो मटेरियल है, ठीक है। और नेचुरल वाटर के अंदर वाटर बॉडी होती है उसके अंदर टर्बिडिटी जो है उसको ब्राउन कलर देती है, या अकॉर्डिंग टू जो मटेरियल होता है उसके हिसाब से उसको देती है, ठीक है। और वाटर बॉडी के अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो लाइट पेनिट्रेट होती है उसमें इंटरफेरेंस क्रिएट करती है टर्बिडिटी, ठीक है, जिससे क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस जो है रिएक्शन है स्ट्रीम और लेक के अंदर नहीं हो पाती है। जो एक्वेटिक प्लांट है वो काफ़ी हद तक इससे प्रभावित होते हैं, ठीक है।
इसके साथ साथ में टर्बिट्री जो है वो जो स्लो सैंड फिल्टर के ऊपर जो जो आपका वाटर ट्रीटमेंट का इक्विपमेंट जो है प्रोसेस है उस पे लोड को काफ़ी बढ़ा देती है, ठीक है। इसके साथ साथ में जो है इसलिए हम जनरली क्या करते हैं कि जब भी फिल्ट्रेशन करें तो हमको क्या है कि टर्बिट्री को जो है रिमूव करना बहुत ही आवश्यकता है। साथ साथ में ये रैपिड सैंड फिल्टर होता है उसके ऊपर जो लोडिंग होती है एक्सेसिव लोडिंग होती है उसको भी प्रभावित करता है। तो इस प्रकार जो है हमें टर्बिटी जो है वो उसको जो है मेजरमेंट या उसका डिटरमिनेशन बहुत ही आवश्यक होता है कि उसको निकालना कितनी पानी में है कितना नहीं है उसका बहुत ही जानना हमें ज़रूरी होता है। टर्बिटी होने के अगर हमें पता चल जाता है तो फिर हम जो है उसको रिमूव करने के जैसे मेथड है कोगुलेंट है वगैरह है या किसकी वो कितनी मात्रा होगी वो हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको जो है पानी के अंदर जो है टर्बिडिटी जो है उसका पता होना जरूरी है किसी भी सॉल्यूशन का, ठीक है। अब प्रिंसिपल जो है जब भी हम टर्बिडिटी निकालेंगे उसका प्रिंसिपल क्या होगा, तो उसमें टर्बिडिटी का जो है हम क्या करते हैं कि जब भी हम टर्बिडिटी निकालते हैं किसी भी सॉल्यूशन की या सैंपल की तो हम क्या करते हैं कि दो सैंपल लेते हैं उनका कंपैरिजन करते हैं किसके कि लाइट जो आपके उस जो सॉल्यूशन के ऊपर गिर रही है उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड यानी कि जो लाइट है कितनी इंसेंट उसकी स्कैटर्ड हो रही है, ठीक है। उसके बेसिस के ऊपर जो है हम क्या करते हैं उसकी टर्बिडिटी निकालते हैं। तो एक तो ये जो है कंपैरिजन जो है एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है रिफरेंस सस्पेंशन के अंदर होता है उससे कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। जो स्टैंडर्ड रिफरेंस सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है ठीक है उसको हम लेबोरेटरी के अंदर जनरली बनाते हैं, ठीक है। तो उससे रेफरेंसेस जो है फॉर एग्जांपल पहले जो है सिल्का यूज़ किया जा सकता का सिल्का का यूज़ किया जा सकता था तो उसका रेफरेंस हम बना उसको रेफरेंस सस्पेंशन उसको बनाते थे और उसके बेसिस के ऊपर फिर हम कंपैरिजन करते थे, ठीक है। और आजकल जो है पहले जैसे जैक्सन टर्बिडिमीटर का यूज़ किया जाता था जो कि मोर रिलायबल और सेंसिटिव और इजी इंस्ट्रूमेंट था जो कि नेप्थोलोमेट्री के ऊपर प्रिंसिपल पे उसके अंदर मतलब वर्किंग करता था प्रिंसिपल पे वर्किंग करता था, ठीक है। और अब जो है आजकल जो है हमने जो सिल्का जो सॉल्यूशन बनाते हैं स्टैंडर्ड रिफरेंस सस्पेंशन है उसकी जगह हमने फॉर्मजिन पॉलीमर का यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो फॉर्मजिन सस्पेंशन जो है पहले हम जो है जैक्सन कैंडल टर्बिडिमीटर को क्या करते थे उसके रेस्पेक्ट में क्या करते हैं कैलिब्रेट करते थे और फिर जो है हम उससे है किसी भी जो सॉल्यूशन है उसकी हम टर्बिडिटी निकालते थे। आजकल जनरली जो यूज आ रहा है वो आपके नेप्थोलोमेट्री का जो है नेप्थोलोम टर्बिडिमीटर है, ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं। जैक्सन टर्बिडिमीटर और ये आपके नेप्थोलोमीटर के अंदर ये डिफरेंस ये होता है कि जो लाइट स्कैटर्ड होती है जो ऑब्जर्व करते हैं उसकी डायरेक्शन क्या होता है उसमें जस्ट परपेंडिकुलर होता है जैक्सन के अंदर और इसमें रिफ्लेक्टेड लाइट होता है वो 90 डिग्री पे होता है एंटीरियर के अंदर, ठीक है। तो इसका ये एक वो डिफरेंस है इन दोनों का जो है। इसके अंदर एक और चीज़ है कि आजकल अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको 0 से 40 एनटीयू तक किसी की रेंज के मेजर करना है तो आप नेप्थोमीटर का यूज़ कर सकते हैं और एक्सेस क्वांटिटी के है, ठीक है। अगर उसकी टर्बिडिटी ज़्यादा है तो आप जो है जैक्सन कैंडल टर्बिडिमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक है कि हम जो बेसिक प्रिंसिपल है टर्बिडिटी निकालने का है कि जो स्टैंडर्ड रेफरेंस सस्पेंशन सॉल्यूशन जो है उसके रेफरेंस के अंदर लाइट स्कैटर्ड जो पार्टिकल करते हैं उससे कंपैरिजन करके हम क्या करते हैं टर्बिडिटी किसी भी सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अपार्ट जो रिक्वायर्ड है वो टर्बिडिमीटर है सैंपल सेल है स्टैंडर्ड फ्लास्क है फनल है वाश बोतल है ये हमको क्या है इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और केमिकल है जैसे एग्जाम मिथिलीन टेट्रामाइन है हाइड्रोजन सल्फेट है डिस्टिल वाटर है ये आपको केमिकल की आवश्यकता होगी जो कि ये जो है स्टेबलाइज करते हैं टर्बिडिटी को, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान में क्या क्या बातें रखनी चाहिए प्रिकॉशन कैसे रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो ये हैं कि आपके जो है कलर्ड अगर सोल्यूट है ठीक है
तो वो जो है लो टर्बिडिटी को शो करेगा, तो इसलिए कलरनेस जो है उस वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ के अंदर जो है आपके जो आयरन है या फेरस जो है वो जो है प्रिसिपिटेशन बनाता है, तो वो टर्बिडिटी को हाई कर देता है। यानी कि कलर तो जो है आपको जो है वो क्या करता है, लो कर देता है, और जो आयरन वगैरह है वो टर्बिडिटी को हाई करता है। इसी तरह से जो भी पार्टिकल जो है अगर लाइट ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो वो जो है जनरली लो टर्बिडिटी शो करते हैं। और इसी तरह से फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग मटेरियल है, कॉर्स सेडिमेंट वगैरह है, ये क्या करते हैं रेपिडली सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो रीडिंग आती है वो जो है वो जो है लो रीडिंग आती है, लेकिन अगर फाइनली एयर वगैरह है तो ये हाई रीडिंग देता है। तो इस प्रकार जो इसका मतलब ये हो गया, फ्लोटिंग डेब्रिस वगैरह, कोर्स सेडिमेंट वगैरह, ये आपकी लो रीडिंग देगा, और एयर बबल्स वगैरह वो हाई लेगा। तो इसका जनरली हमको ध्यान। अब हमारे आ जाता है मेन चीज़ें कि जब भी हम टर्बिडिटी निकालेंगे तो उसमें रिजेंट की आवश्यकता होती है। तो एक तो जैसे हाइड्रोजन सल्फेट है, या एग्जाम मेथिलीन टेटामाइन है, या स्टैंडर्ड 400 NTU का सोल्यूशन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो आ रही है अपने की जो ये आपके हाइड्रोजन सल्फेट या हेक्सामेथिलीन मेथिलीन टेटामाइन का सोल्यूशन बनाना है। तो इसमें क्या करेंगे, हमको 1 ग्राम हाइड्रोजन सल्फेट या 10 ग्राम हेक्सामेथिलीन टेटामाइन जो है इसको आपको वेट करना है। वेट करके इसको जो है टर्बिडिटी फ्री डिस्टिल वाटर के अंदर इसको अंदर डिजोल्व करना है। डिजोल्व करने के बाद में उसका जो वॉल्यूम है वाटर का वो आपके 100 ml हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार हमने हाइड्रोजन सल्फेट बनाया। इसी तरह से अगर हमको 400 NTU का सॉल्यूशन बनाना है तो इसके अंदर क्या करेंगे कि जो सॉल्यूशन ये बनाया था उसमें क्या करेंगे, 5 ml हाइड्रोजन सल्फेट लेंगे और 5 ml ही हेक्सामेथिलीन टेटामाइन लेंगे। इन दोनों को लेके इसको जो है 100 ml मेजरिंग जो स्टैंडर्ड फ्लास्क है उसके अंदर करेंगे, और 24 घंटे तक क्या करेंगे इसको मिक्सर को जो है रख देंगे, ठीक है। उसके मिक्सर को रखने के बाद के अंदर हम क्या करेंगे, इसको वॉल्यूम को जो है फिर क्या करेंगे कि इसका 100 ml इसको करेंगे डिस्टिल वाटर के द्वारा, ठीक है। तो ये अपने का स्टैंडर्ड 40 NTU का सोल्यूशन बन गया। अब इसमें क्या है कि अगर 500 ml का जो बनाना है, 500 ml 400 NTU का स्टैंडर्ड बनाना है, तो आपको क्या करना है कि 25 ml रिजेंट लेना है और उसको 500 ml के अंदर फ्लास्क के अंदर डालना और इसको मिक्स करना। तो इस प्रकार जो हमको ये 400 NTU सोल्यूशन जो है आपके मिल गया। ये रेडीमेड भी अवेलेबल है मार्केट में, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमको क्या करना है कि जो भी टर्बिडिटी मीटर है उसको कैलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कैलिब्रेट करने का मतलब है कि जो अगर फॉर एग्जांपल वो टर्बिडिटी फ्री वाटर है उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसकी रीडिंग जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि टर्बिडिटी मीटर के अंदर 4 नॉब होती है, ठीक है। तो 4 नॉब्स के अंदर, उसके अंदर 2 नॉब तो बॉटम के अंदर होती है, 2 उसके टॉप के अंदर होती है। तो बॉटम वाली है वो आपके 0 सेट करने के काम आती है, और लेफ्ट और राइट के अंदर जो नॉब होती है वो आपके कैलिब्रेशन के काम आती है, ठीक है। और जो राइट वाली जो है वो आपके जो है डिटेक्शन रेंज करने के काम आती है। तो आप उसको जो है 100 NTU जो है अगर फॉर एग्जांपल अपना वह सॉल्यूशन की टर्बिडिटी है तो उसको 100 के अंदर रेंज के अंदर फिक्स कर सकते हैं। तो पहले स्टेप है कैलिब्रेशन के लिए, सिंपल है कि रीडिंग को आपको जो नॉब्स वगैरह है उसकी द्वारा क्या करना है, 0 करना है, ठीक। 0 करने के बाद के अंदर फिर आपको स्टेप बी के अंदर क्या करना है कि जो आपने 200 NTU सॉल्यूशन लिया, ठीक है, उसके अंदर आपको पुट करना है, और पुट करने के बाद के अंदर जो रीडिंग आनी चाहिए टर्बिडिटी मीटर के अंदर वो 200 NTU की आनी चाहिए। तो उसको हम जो कैलिब्रेशन नॉब है उसके द्वारा हम 200 NTU फिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपकी रेंज कितनी है। फॉर एग्जांपल अपने जैसे 200 NTU का किया, अगर इसी तरह से अगर आप 400 NTU सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो उसकी रीडिंग जो है आपके टर्बिडिटी मीटर की जो है वो आपके 400 NTU आनी चाहिए। यानी कि 0 to 400 होगी अगर 400 में रखेंगे तो, और 0 से 200 होगी अगर आप 200 में रोकेंगे। तो इस प्रकार आपको 2-3 बार ऐसी स्टेप करनी है, इसको कैलिब्रेट करना है, ठीक है। टेस्टिंग करने के लिए हमको क्या करना है कि वाटर सैंपल को लेना है। लेने के बाद के अंदर आपको क्या करना है कि जो इसके ग्लास वगैरह या बीकर वगैरह के अंदर लेना है, और या उसको हम अगर
साइंटिफिकली लैंग्वेज में कहें कि सैंपल सेल में लेना है उस वाटर को, और लेने के बाद के अंदर जो है उसको स्थिर रखना है, और जो टर्बिडिमीटर है उसके अंदर जो सेल जो है सेल जो है उसकी स्लॉट के अंदर जो है आपको ये सेल पुटअप करनी है, और आपको स्विच ऑन टर्बिडिमीटर को करना है। तो इस प्रकार जो है आपको क्या होगी कि जो भी रीडिंग है वो आपको दिखा देगी। तो वर्तमान में जैसे अपने वाले सैंपल के अंदर अगर हमने 3-4 सैंपल लिए हैं तो उसकी जैसे 7.6 NTU, 5 NTU या 40 NTU इसकी रीडिंग आई, ठीक है। तो रीडिंग जब भी लें आप तो ध्यान रखें कि रीडिंग स्टेबल होनी चाहिए, और साथ ही जो है जो मार्क होना चाहिए वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसकी रीडिंग ले लेंगे। तो इसका प्रोसीजर है कि सभी में जैसे अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट में गए जो भी एक्सपेरिमेंट है वो आपके 30 मिनट बिफोर ऑन करना चाहिए। 400 NTU का सॉल्यूशन बनाया आपने, सॉल्यूशन बनाने के बाद के उसको 400 NTU को कैलिब्रेट किया, कैलिब्रेट करने के लिए आपको दो नॉब्स अवेलेबल है, तो फिर 400 में कर दिया, और डिस्टिल वाटर है उसके अंदर आपने कैलिब्रेट कर दिया दोनों को, यानी कि 0 से 400 के बीच में हो गई। और फिर इसके अंदर क्या है कि जो भी करना है आपको सेल के अंदर सॉल्यूशन लेके सैंपल सॉल्यूशन लेके उसको क्या करना है, क्या मेजरमेंट लेना है या उसकी रीडिंग लेनी है, ठीक है। आपको जब भी टेबल है इसमें दे रखा है आपको 330 डिग्री सेल्सियस जो है आपके टेम्परेचर मेजर करना है, इसके बाद में रीडिंग लेनी है, और इस प्रकार ये इसकी अपना टर्बिडिटी हम मेज़र करेंगे, ठीक है। ये कुछ रेफरेंसेस है जो हमने लिए हैं स्पेशली निटार चंडीगढ़ की PHE की लैब मैनुअल है, दुग्गल सर की वो है, आपके वोकेशनल ट्रेनिंग आंध्र प्रदेश की है, BC पुनीमा सर है, SK गर्ग साहब है। इन बुक्स के पीछे की साइड के अंदर जो है अधिकतर जो प्रैक्टिकल्स है वो दे रखे हैं आपको, उसको डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। ये कोविड जो है अपना पीरियड चल रहा है इसलिए हमने ये ऑनलाइन जो है इसकी प्रैक्टिकल अपन कैसे करते हैं इसको समझाने के लिए यूज़ किया, जो कि नॉन कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए हमने इसको बनाया।